हेलो गाइस, आई एम सी जयविंदर सिंह, प्रैक्टिसिंग सी एस इन दिल्ली। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को एम सी ए एल एल पी पोर्टल पर दिक्कत आ रही है कि जब भी रिसबमिशन आता है तो वो रिसबमिशन में ये नहीं देख पाते हैं कि क्या रिमार्क आया है, क्या रीज़न आया है रिसबमिशन का, वो देख ही नहीं पाते हैं। और कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि फॉर्म में अगर रिसबमिशन आ गया है तो उसको किस तरीके से अपलोड करना है, कहाँ पर जाकर के एडिट करना है और कैसे हमें अपलोड करना है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं दोनों क्वेरीज को डिटेल में डिस्कस करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप कैसे। तो एम सी ए ने अभी लेटेस्ट जो एफएक्यूज इशू किए हैं उसमें ये बताया है कि द फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द माई एप्लीकेशन में जाएंगे, माई एप्लीकेशन टैब में, इन द एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप जाएंगे, यूजर विल सी एक्शन, आपको एकदम राइट में देखेंगे तो एक्शन का एक बटन दिखेगा और एक्शन में आपको जो भी फॉर्म आपका रिसबमिशन आया है वहाँ पर व्यू रिमार्क के नाम से एक टैब या एक बटन कह सकते हैं वो दिखेगा। और जब भी हम उस बटन पर व्यू रिमार्क पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो भी हमारा रिमार्क होगा, जो भी हमारा रिसबमिशन क्वेरी होगी वो वहीं लिखी होगी, क्योंकि कंपनी फाइलिंग की तरह इसमें मेल में लिखी हुई नहीं आती है कि क्या क्या पॉइंट है, इसमें वहीं पर जनरेट होगी। जब हमारी मेल आएगी तो मेल में यह लिखा होगा कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर दिस रिसबमिशन आया है, बट वहां पर क्या रीजन है रिसबमिशन का ये वहां पर लिखा नहीं होगा मेल में। तो ये हमें व्यू रिमार्क में जाकर के देखना है। तो दोस्तों, हम पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं। तो ये एक्चुअली हमने कुछ दिन पहले एलएलपी रन फाइल किया था, इसमें रिसबमिशन आ गया है। अभी तक हमने इसका अप्लाई नहीं किया था, यानी कि रिसबमिट ये नहीं किया था, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक रिसबमिशन क्या है, क्या क्वेरी है, उसका पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से ये आने लगा है। तो हम आप लोगों को इसी के लिए अपडेट करें, देखते हैं रन ये आ रहा है, रिसबमिशन रिक्वायर्ड आ रहा है, लास्ट नोटिफिकेशन 1/4 को, एडिट आ रहा है, व्यू रिमार्क ये देख सकते हैं दोस्तों, एक्शन बटन के नीचे व्यू रिमार्क एकदम राइट में आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही मैं व्यू रिमार्क पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी क्वेरी है, द प्रपोज्ड नेम नियरली एग्जैक्टली फोनेटिकली रिजेंबल्स टू सिंह एंड एसोसिएट लेवल लो कंसल्टेंट एल एल पी सिंह एंड एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एल एल पी एंड अदर्स, एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज बी ऑफ द एल एल पी एक्ट 2000 एंड एड प्रीफिक्स सफिक्स एक्टिविटी। तो इन्होंने यही बोला है कि मतलब जो भी क्वेरी है वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ओके करेंगे। और दोस्तों, अगर हम इसको रिसबमिट करना चाहते हैं तो हम एडिट पर जाएंगे, थोड़ा सा भी पोर्टल में दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ा सा पोर्टल स्लो है, लेकिन हाँ फाइलिंग अब सारी की सारी हो रही है। मेरे पास काफ़ी मेल तो इसीलिए आ रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी और प्रोफेशनल से, किसी और जो स्टार्टअप वाला कंपनी वाला इस टाइप की कंपनी से कराते हैं। वैसे तो इस टाइप की कंपनी से आपको कराना नहीं चाहिए, आप नॉर्मल प्रोफेशनल से डायरेक्टली बात करके ही काम करें। आप हमसे भी कनेक्ट हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी फोन नंबर मिल जाएंगे, तो प्रॉपर प्रोफेशनल से ही कराएं। तो ये कंफर्म करने के लिए करते हैं कि सर एक्चुअली दिक्कत आ रही है या फिर ये लोग हमें बना रहे हैं सर। तो जैसे हम एडिट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेकर के इस तरीके से प्रोसीड हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे पास फॉर्म खुल जाता है। तो हमें जो भी चेंजेस इस फॉर्म में करने, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं नेम इसका चेंज कर दूँ, तो जो भी हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस करके कुछ हम क्लैरिफिकेशन लगाना चाहते हैं तो वो क्लैरिफिकेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑटो चेक करेंगे और इसको फिर से हम रिसबमिट कर देंगे। अब कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि सर रन में तो हो जाता है, सर फिलिप वगैरह या किसी और फॉर्म में हम रिसबमिशन कैसे करेंगे, तो उसका भी दोस्तों हम बता देते हैं। जैसे इससे तो हमारा फिलिप फॉर्म कोई भी फाइल नहीं किया गया इस वाली आईडी से, तो मैं दूसरी आईडी अपनी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमने अपनी दूसरी आईडी लॉगिन कर ली जिसमें फिलिप फॉर्म, जिस आईडी से हमने फाइल किया है, और अभी एक फिलिप फॉर्म हम फाइल कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले हमें क्वेरी देखनी है फ्लिप फॉर्म के केस में भी, और क्वेरी क्या है, मतलब क्या रीजन है ऑब्जेक्शन का, उसको करेक्ट करने के लिए सेम हमें एडिट, जो व्यू रिमार्क के लेफ्ट में एकदम एडिट का आइकन आपको दिख रहा होगा, एडिट पर क्लिक करना है। और जो भी आपको मतलब ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग एडिट करना है, चाहे वो अटैचमेंट सही से लगानी है, प्रॉपर अटैचमेंट नहीं थी, क्लियर नहीं थी, इनकम्प्लीट थी, या फिर कोई फॉर्म में मिस्टेक थी, वो हम करेक्ट करके फिर से फॉर्म को एडिट हमने किया, एडिट करके हम सेव करेंगे और फिर से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, और फिर से हम दोस्तों वहीं से फॉर्म को अपलोड कर दिया जाएगा। कोई अलग से इसके लिए टैब वगैरह नहीं आती है, तो यहीं से आपको करना होगा। फॉर्म 11 भी अब फाइल होने लगा है प्रैक्टिकली, तो आप फॉर्म 11 भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वीडियो की किस तरीके से आप रिमार्क देख सकते हैं और रिसबमिशन किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो मुझे मेल या व्हाट्सअप कर सकती हैं। टेक्निकल क्वेरी के लिए कोई भी पोल ना करें, क्योंकि टेक्निकल क्वेरी आ रही है, जितना हम लोगों को हो पाता है, नॉलेज मिल पाती है, तो हम आप लोगों को कन्वे कर देते हैं। तो होपफुली आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।